ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने अपने एक विज्ञापन को लेकर माफी मांगी है। साथ ही कंपनी ने इस पर सफाई भी जारी की है। दरअसल विज्ञापन में अभिनेता ऋतिक रोशन महाकाल थाली ऑर्डर करते हैं, जिसे लेकर हिंदू जनजागृति मंच के लोगों ने जोमैटो को बॉयकॉट किया था। विज्ञापन में ऋतिक कहते हैं कि थाली खाने का मन था, महाकाल से मंगा लिया। हिंदू जनजागृति मंच ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा, महाकाल कोई नौकर नहीं है जो खाना डिलीवरी करे, वह एक भगवान है जिनकी पूजा होती है। क्या जोमैटो किसी अन्य धर्म के भगवान का इसी तरह अपमान कर सकता है? बता दें कि हिंदू धर्म के अनुयायी भगवान शिव को महाकाल भी कहते हैं। जोमैटो ने इस विवाद के बाद अपनी सफाई जारी की है। कंपनी ने कहा है कि विज्ञापन में महाकाल रेस्टोरेंट की थाली का जिक्र किया गया है, न कि श्री महाकालेश्वर मंदिर का। बकौल जोमैटो यह विज्ञापन उनके भारत भर में जारी कैंपेन का हिस्सा है, जिसमें वह स्थानीय तौर पर प्रसिद्ध फूड आउटलेट्स के सबसे अधिक चर्चित मेन्यू को प्रमोट कर रहे हैं। जोमैटो ने कहा, हम उज्जैन के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, इस विज्ञापन को बंद कर दिया गया है। हमारी मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं था और हम इसके लिए माफी मांगते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जोमैटो के खिलाफ कोर्ट की शुरुआत महाकालेश्वर मंदिर के 2 पुजारियों द्वारा इस मुद्दे को उठाने के बाद हुई थी। दोनों पुजारियों ने इस विज्ञापन को तुरंत हटाने की मांग की थी। पुजारियों का कहना था कि उनका प्रसाद एक थाली में श्रद्धालुओं को मुफ्त में दिया जाता है और यह कोई फूड डिलीवरी ऐप से ऑर्डर की जाने वाली थाली बिल्कुल नहीं है। वे इस मामले को लेकर उज्जैन के डीसी आशीष सिंह के पास भी पहुंचे थे। इसके बाद से ही ट्विटर पर जोमैटो के खिलाफ बॉयकॉट प्रिंट शुरू हो गया था।